रहे थे सिर्फ जो जनवरी में शुरू होगा वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर शुरू। जी तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पूछ लिया। देखिए ये जहां आप खड़े हैं ये ग्राउंड फ्लोर है, ये पूरा निर्माण हो जाएगा। सेकंड स्टेज है जो दिसंबर 2024 में होगा, जिसमें फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पूरा, तो आप यूँ समझिए कि मंदिर निर्माण कार्य पूरा दिसंबर 2024 में होगा, और दिसंबर 2025 में हम पूरा परिसर जो 71 एकड़ है उसमें निर्माण कार्य जो है, जिसमें वो मंदिर वगैरह बहुत सारे, ट्रस्ट का ऑफिस, प्रीस के लोग, साधु संतों के लिए गेस्ट हाउस, सभी चीज़ें हैं, वो दिसंबर 2025 में होगा। तो अभी दो चरण इसके निर्माण कार्य के बाकी हैं। प्रथम फ्लोर पे और द्वितीय फ्लोर पे उसमें क्या क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड? प्रथम फ्लोर पे राम दरबार है, क्योंकि यहाँ पर तो केवल रामलला है। प्रथम फ्लोर पे पूरा उनका दरबार होगा, और सेकंड फ्लोर पे कोई इस प्रकार की मूर्ति नहीं होगी, और अभी सेकंड फ्लोर में श्रद्धालुओं को कोई विशेष जाने का अवसर नहीं मिलेगा। तो 1989 से अभी तक इतना लंबा सफ़र रहा है, बहुत से लोगों ने इस पे कितना योगदान किया है, जिन लोगों ने इस पे योगदान रहा है, जिन लोगों का, क्या उनके लिए भी कोई कहीं पे कोई जगह होगी इस मंदिर में, मंदिर परिसर में? बहुत, मैं 9 तारीख को मैं और चंपत राय जी जो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हैं, हम लोग 9 तारीख को लखनऊ में एक MOU समझौता कर रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार का एक यहाँ पर म्यूजियम है, जो हाईवे पर अगर आप जाएंगे तो वह अंतर्राष्ट्रीय राम संग्रहालय है, वह तय हुआ है कि वो पूरी बिल्डिंग एस इज वेयर इज हम लोगों को दे दी जाएगी, 30 वर्ष का लीज होगा, और उसमें हम पूरा, जो आपने प्रश्न पूछा, 500 साल का इतिहास, राम वनगमन, राम की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से राम और रामायण हैं और राम हैं मनाए जाते हैं, और अनेक काम पूरी तरीके से नई टेक्नोलॉजी के अनुसार होगा। आपको इतना कह सकता हूँ कि दिल्ली के संग्रहालय से ज़्यादा मॉडर्न होगा। आप लोगों ने सारी बारीकियों का ध्यान रखा और कोशिश ये की है कि राम मंदिर से सभी को खुशी हो, मतलब किसी को नाराज ना होना पड़े, तो इन्होंने सब बारीकियों का ध्यान दिया है। मुक्ता जी, एक चीज मैं जानना चाहता था, जो आंदोलन में हजारों लोगों ने बलिदान दिए, अपना अपना हर तरीके की आहुति दी, क्या उनके लिए भी कोई जगह होगी? ये सुझाव, जगह नहीं, ये सुझाव आया है ट्रस्ट की तरफ से आया है कि जो लोग इस आंदोलन में जिनका बलिदान हुआ है उनका नाम की सूची वहाँ पर प्रदर्शित होनी चाहिए। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता था, अशोक सिंघल जी जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू से आखिर तक काफ़ी बल दिया और मुझे लगता है काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी है उनका, तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी कोई जगह होगी? देखिए अशोक सिंघल जी तो प्रेरक हैं, वो पूरा उनका जीवन काल ही इस आंदोलन के लिए था, इसलिए अशोक सिंघल जी, और सही माने में तो अगर आप चंपत राय जी से पूछेंगे जी। तो वो कहेंगे कि मैं अशोक सिंघल जी का बनाया हुआ प्रोटेजी हूँ, वो कहते हैं। तो अशोक सिंघल जी का तो बड़ा प्रमुख स्थान है, और निश्चित रूप से उस म्यूजियम में उनको बहुत ही सादर और सम्मान का स्थान मिलेगा।